हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलीमैथ एग्रो सॉल्यूशन सर्विसेज। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो ऑल ओवर इंडिया मशरूम इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है ड्राई बबल। ड्राई बबल की प्रिवेंशन और उसका क्यों कैसे करना है, आइए चलते हैं, देखते हैं, डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, हमारी पहली वीडियो वो है ड्राई बबल। इंडिया में मैं अगर देखूं, ड्राई बबल मशरूम इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मोस्टली सीजनल फार्मर तो इसके साथ जूझते ही हैं, बट कई बार हम जो कमर्शियल फार्म है वो भी इससे जूझते हैं और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से इससे बहुत ज़्यादा जो है कह लो इकोनॉमिक लॉस होता है इससे बहुत ज़्यादा। सबसे पहले ये करता कौन है, इसको हम वर्टिसीलियम फंजीकोला कहते हैं। इसका जो ऑर्गेनिज्म होता है वर्टिसीलियम फंजीकोला हम उसे बोलते हैं। इसके कई सारे जो फॉर्म्स, कई सारे नाम हैं इसके। इसे हम ड्राई बबल भी कहते हैं, स्प्लिट टाइप भी कहते हैं, वर्टिसीलियम स्पॉट भी कहते हैं। ये तीनों अलग अलग फीचर अलग अलग टाइम पे हमें शो होते हैं जब हम मशरूम फार्मिंग करते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग ये तीनों हमें मिलते हैं और ये सबसे ज्यादा कमर्शियल फार्म की, जितने भी हमारे कमर्शियल फार्म हैं उसकी सबसे कॉमन डिजीज है ये वर्टिसीलियम फंजीकोला की। और इससे बहुत हाई इकोनॉमिक लॉस होता है, बहुत हाई लॉस होता है। अगर यहाँ पे आप फोटोज देखोगे वहां पे आपको ये नजर आएगा। कहता है इसके वेरियस, जैसे मैंने अभी बताया इसके बहुत सारे नाम हैं और हर जो इसको वेरियस नेम से हम अलग अलग नाम से हम जानते हैं, जैसे ड्राई बबल, स्प्लिट स्प्लाइट या वर्टिसीलियम स्पॉट्स के नाम से हम इसको अलग अलग कह लो स्टेजेस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे जो अर्ली इन्फेक्शन है, जो डेवलपमेंट है, वो मशरूम, जब मशरूम का पिन हेड प्रिमोडियम, मशरूम प्रिमोडियम डिस्टर्ब ग्रोथ स्टार्ट होती है उसी वक्त ये सबसे आ जाता है। आपको स्टार्टिंग में जब बटन फॉर्म होता है उसी वक्त ही आ जाता है ड्राई बबल, और ये 0.5 टू 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। आप इसकी मेन सिस्टम को समझिए, जो आपका वर्टिसीलियम फंजीकोला फंगस है कभी भी हम दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। मान लीजिए आपका जो बटन मशरूम है उसका माइसीलियम और जो फंजीकोला माइसीलियम है, अगर आप कहो भी आप इसको सेपरेट आउट कर पाओ, दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाओ, तो आप नहीं कर पाओगे जब तक ये फ्रूटिंग स्टेज पे नहीं आ जाता या जब तक ये अपने सिम्टम शो नहीं करता। अब दोनों माइसीलियम है, दोनों एक रस्सी के गुच्छे की तरह है, ठीक है। जब दोनों ये आपस में मिल जाते हैं, उलझ जाते हैं, तो जो आपका बटन है, बटन की जो फॉर्म है, जो बटन का साइज होता है, वो डीफॉर्म हो जाता है। मान लीजिए आपका जो बटन है वो बिल्कुल बड़ा सुंदर सा गोल सा बनता है ऐसे, बट जब इसके साथ दूसरा माइसीलियम अटैच हो जाता है, ठीक है, और जब मान लो ये दो माइसीलियम आपस में मिल जाएं, इधर ये फंजीकोला का माइसीलियम है वर्टिसीलियम का, इधर आपका बटन मशरूम का माइसीलियम है, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो जो बटन फॉर्म होता है वो डी फॉर्म बटन हो जाता है, कभी भी एक रेगुलर बटन नहीं बनता, ऐसे इरेगुलर सा बटन बन जाता है, ठीक है। बटन की शेप बड़ी इरेगुलर होती है, तो ये ड्राई बबल का जो निशानी है। तो ड्राई बबल बेसिकली आपको अलग अलग स्टेज पे हमें मिलता है। सबसे पहले कहते हैं जब मशरूम प्रिमोडिया आ जाता है तभी आपको इसका पता लग जाता है। अब सबसे कहते हैं जो ओल्डर मशरूम्स हैं बटन स्टेज पे हैं, उनका क्या है, उनकी जो स्टेम है वो शटर हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये स्टेम है उसकी, ये कहीं कहीं से फटने लग जाएगी, तो इसे हम स्प्लिट टाइप भी कहते हैं, क्लियर। और थोड़ी सी हल्की सी टिल्ट हो जाएगी और फटनी शुरू हो जाएगी, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्प्लिट स्टाइप भी कहते हैं। कहता है ये जो पैथोजन है, ये कैप टिश्यू जो माइसीलियम, जैसे मैंने आपको पहले बताया भी, ये तीन स्टेजेस में हमें रिप्रेजेंट होता है। पहला, जब आपका बबल फॉर्म, जब आपका बटन मशरूम बन रहा होता है उसका माइसीलियम उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है, ऊपर जो मशरूम की शेप है वो डीफॉर्म हो जाती है, उसको हम ड्राई बबल बोलते हैं। दूसरा, जो उसकी डंडी है, क्लियर, ये सिम्टम है उसका। दूसरी, जो उसकी स्टिक होती है, जो स्टाइप होता है, वो हल्की हल्की फट के थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है, तो वो भी एक वर्टिसीलियम का अपना सिम्टम है, जिसे हम स्प्लिट स्टाइप बोलते हैं। नेक्स्ट जो उसका सिम्टम है, आपका जो माइसीलियम जो कैप है, मशरूम जो कैप है आपका, ये जो मशरूम कैप है, यहाँ पे कहीं कहीं आपको स्पॉट मिलेंगे। इसको हम मोस्टली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, जो तजुर्बेकार किसान हैं वही डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, जो आम अभी नए नए किसान आए हैं
वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते किसके बीच में, वर्टिसिलियम स्पॉट के बीच में और बैक्टीरियल ब्लॉच के बीच में। जो बैक्टीरियल ब्लॉच होता है वो थोड़ा शाइनी होता है, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया हमेशा स्लाइमी होता है, तो उसकी अगर हाथ लगाएंगे तो वो थोड़ा सा स्लाइमी चिपचिपा होगा। बट जो वर्टिसिलियम का स्पॉट है वो हल्का सा सनकन, मान लीजिए अगर आप डाल के देखोगे तो ऐसे हल्का सा अंदर को दबा हुआ होगा और थोड़ा सा ग्रेइश ब्राउनिश और ग्रेइश ह्यू एक स्पॉट फॉर्म करेगा। तो ये डिस्टिंग्विश है, उसमें स्लाइमी नेचर होगा, इसमें स्लाइमी नेचर नहीं होगा, वो पूरा का पूरा फैला हुआ स्ट्रक्चर होगा। ये कहीं कहीं स्पॉट होंगे और वो सनकन होंगे, यानी कि अंदर को थोड़े से दबे होंगे और बीच में एक ग्रेइश सा एरिया बनेगा, साइड में ब्राउन होगा। तो ये मेन तीन तरह के हमें हर स्टेज पे ये डिस्टिंग्विश करेक्टर मिलते हैं, किसके? वर्टिसिलियम फंजिकोला के। जैसे मैंने अभी बताया बैक्टीरियल ब्लॉच से आप सिर्फ जो एक तजुर्बेकार किसान है वही डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हर किसान इसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? वर्टिसिलियम स्पॉट। तो अभी हमने तीन चीजें पढ़ी, स्प्लिट स्टाइल, वर्टिसिलियम स्टॉप और ड्राई बबल। ये तीनों किसकी निशानियां हैं? वर्टिसिलियम फंजिकोला की, ड्राई बबल की, अलग अलग स्टेजेस की। अब कहता है इसको डेवलप करने के लिए हमें 20 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। क्लियर? 20 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर हमें चाहिए। और कहता है इस टेम्परेचर पे जो ड्राई बबल है और स्प्लिट स्टेम है, क्लियर, ये 10 से 14 दिन के बीच में डेवलप होने में टाइम लेते हैं इस टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो ये बहुत फास्ट ग्रो करेगा। क्लियर? तो हमने तो टेम्परेचर वैसे तो हमें 16-17 ही रखना है, टेम्परेचर रिड्यूस ही करना है। तो यहाँ पे मैं साथ साथ आपको बताता जाऊं, अगर आप का टेम्परेचर भी कंट्रोल है तो इसका जो फैलना है वो कम हो जाएगा। क्लियर? अगर कहता जो बबल फर्स्ट ब्रेक में मिलता है तो ये पैथोजन, मान लीजिए अगर मोस्टली अगर आपका स्टार्टिंग स्टेज में ही आ गया, फर्स्ट ब्रेक में ही आ गया, अभी आपका फर्स्ट फ्लश, मतलब जैसे ही फर्स्ट फ्लश हुआ है तो आपका बबल आना शुरू हो गया। क्लियर? जैसे ही आपका बबल आना शुरू हो गया तो अब इसका रीजन क्या है, ये कहाँ से आया? तो यहाँ पे हम देखते हैं ये केसिंग मटेरियल से आता है। कहाँ से आता है? केसिंग मटेरियल से आता है, पिन इनिशिएशन के टाइम पे कहीं पे भी आ गया। क्लियर? 20 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, बबल को और स्प्लिट स्टेम को होने में 10 से 14 दिन लगेंगे। फर्स्ट ब्रेक में आता है तो केसिंग मटेरियल से आता है, पिन इनिशिएशन के साइड पे। कहता है फिर उसके बाद जब आपका बटन बन जाता है तो वर्टिसिलियम जो स्पॉट है ये 48 घंटे लेते हैं डेवलप होने में। और ये ज्यादातर कहता जो केसिंग कंटेमिनेटेड केसिंग मटेरियल है या जो डस्ट है, क्लियर, वहीं से वो ही इसका सोर्स है मेनली। क्यों? क्योंकि इसके जो स्पोर्स हैं वो चिपचिपे होते हैं। क्लियर? किसी भी, चाहे लेबर है, चाहे वर्कर है, चाहे कोई भी माइट्स है, ठीक है, एयर कंटेमिनेशन, ये एयरबॉर्न डिजीज होती है। एयरबॉर्न डिजीज केसिंग्स के थ्रू हमारे रूम में आ जाती है या किसी और मीन से, जैसे जो इसके स्पोर्ट्स हैं वो स्टिकी होते हैं, एयरबॉर्न होते हैं, एयरबॉर्न मतलब हवा में रहते हैं, तो वो कहीं से भी आ सकते हैं। किसके साथ? इंसेक्ट के साथ, माइट्स के साथ और फार्म वर्कर के साथ, इन तीनों के साथ कहीं से भी आ सकते हैं, एयरबॉर्न ये डिजीज है। फिर कहता हूँ ये एयरबॉर्न होने की वजह से, कहता जो मैंने जैसे अभी बताया इसके जो वर्टिसिलियम के जो स्पोर हैं ये स्टिकी होते हैं, क्लियर, क्लस्टर में होते हैं, किसी भी डस्ट के साथ, फ्लाई के साथ, माइट्स के साथ, डेबरी के साथ, कपड़ों के साथ, टूर के साथ, वर्कर के साथ, किसी के साथ भी ये चिपक जाते हैं। अगर आप सोचेंगे भी हम ये वॉशिंग से, हैंड धोने से, हाथ धोने से, या कपड़ों को साफ करने से, या हॉट वाटर से अगर ये निकल जाएंगे तो ये नहीं निकलते। क्लियर? मेनली इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट जो ट्रांसपोर्ट मेथड है वो क्रॉप टू क्रॉप होता है। क्रॉप टू क्रॉप ये वर्कर के थ्रू, जो आप टूल यूज करते हैं, ये डेब्रिज यूज करते हैं, ये उनके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। अब कहता है वाटरिंग, वाटरिंग जब हम करते हैं तो उसमें भी इसके स्पोर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जब हम वाटरिंग करते हैं तो उसमें भी इसके स्पोर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, क्यों? वाटर जब स्प्लैश पड़ता है तो उसके स्प्लैश ये उड़ते हैं और दूसरे बेड पे जाके बिखर जाते हैं। क्लियर? बाकी जैसे इंसेक्ट हो गया, फॉरेड फ्लाइज, ये पढ़ेंगे हम, फॉरेड फ्लाइज, माइट्स हो गया, ये भी ये क्या करते हैं, ये वर्टिसिलियम के स्पोर को खाते हैं। अब यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई। मान लीजिए आपके फार्म में वर्टिसिलियम के स्पोर्स हैं तो उसके साथ साथ आपके फार्म में
फॉरिड्स और माइट्स का भी अटैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉरिड्स के स्पोर्ट्स पे, वर्टिसिगम के स्पोर्ट्स पे कौन फीड कर रहा है? आपका माइट्स फीड कर रहे हैं, फॉरिड फ्लाइज फीड कर रही हैं। तो ये फीड करते वक्त अगर इनकी बॉडी पे कहीं पे भी स्पोर अटैच भी हो जाए तो ये भी दूसरे एक जगह से दूसरी जगह एक इजी मीन हो जाता है ट्रांसपोर्ट का। अब कहता डिस्ट्रिक्ट कंटेमिनेटेड डस्ट फ्लोस के थ्रू हो सकता है ये ट्रांसपोर्ट एयर, जितने भी अगर डस्ट में इसकी कंटेमिनेशन होगी तो इसकी कंसंट्रेशन एयर में बढ़ जाती है और ये प्राइमरी आउटब्रेक यानी कि एकदम आपके बेड के बेड कंप्लीटली भर जाएंगे, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अब तो कहता कल्चर प्रैक्टिस कौन कौन सी है हमें जो करनी है जिससे हमें ये ना आए फार्म पे। क्लियर, कल्चर प्रैक्टिस मतलब जब हम मशरूम इन प्रोडक्शन कर रहे हैं उस वक्त हमें कौन कौन सी ऐसी प्रिवेंशंस करनी है जिससे ये आए ना। क्योर तो बात की बात है, हमेशा हमने हमेशा सुना है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो यहाँ पे जो हम प्रिवेंशन करते हैं कल्टीवेशन के टाइम पे, जब रूम में क्या हमें प्रिवेंशन करनी है, फार्म पे हमें प्रिवेंशन क्या करनी है, वो हमें यहाँ पे देखना है। मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, हमें सबसे ज्यादा जो मेंटेन रखनी है गुड सैनिटेशन और हाइजीन, हाइजीन प्रैक्टिस और गुड सैनिटेशन। अगर हम ये मेंटेन करते हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका आउटब्रेक कह लो खत्म हो जाएगा, बट धीरे धीरे स्लोली स्लोली एक टाइम पे आके वो जरूर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले कहता जितना भी हमारी क्लीन फैसिलिटीज हैं या ग्रोइंग मीडिया हैं उनको कह लो क्लीन करना शुरू कर दें, हेल्दी क्रॉप को इन्फेक्ट ना होने दें, डिजीज को स्प्रेड ना होने दें बिटवीन द क्रॉप्स, डिजीज लेवल लो रखें जितना कम हो सकता है, और जहां पे भी पैथोजन प्रेजेंट है उस जगह को हम पैश्चराइज करें। क्लियर, पैथोजन कहते पैश्चराइज टू एलिमिनेट द पैथोजन एंड डिजीज्ड क्रॉप व्हेन पिकिंग स्टॉक। क्लियर, मान लीजिए जहां पे आप कर रहे हो, जहां पे ग्रोइंग रूम में ड्राई बबल है वहां पे आप मशरूम तोड़ रहे हो तो कोशिश करो भी उसको साथ साथ पैश्चराइज भी करो। क्लियर, और कहता नेक्स्ट क्या है कल्चर प्रैक्टिस में, केसिंग मटेरियल। यहाँ पे केसिंग मटेरियल को अगर हम ध्यान में देखें, सबसे पहले इसको डस्ट फ्री एरिया को डस्ट फ्री रखना है, ठीक है, स्टोरेज और मिक्सिंग एरिया को डिसइंफेक्ट करना है ताकि वहां पे मिनिमम से मिनिमम चांस रहे आने का। केसिंग मटेरियल को एक्सपोज नहीं करना, ठीक है, एक्सपोज नहीं करना डस्ट को, फ्लाइज को मिक्सिंग के वक्त। कई बार मैंने 90% फॉर्मों पे केसिंग मटेरियल ओपन में ही प्रिपेयर करते हैं, ये सबसे गलत तरीका है। हमें क्लोज एटमॉस्फेयर में केसिंग मटेरियल प्रिपेयर करना है, वर्करों को जो केसिंग में इन्वॉल्व वर्कर जो केसिंग बना रहे हैं उनको दूसरी जगह हमें काम ग्रोइंग रूम में जहाँ इन्फेस्टेड एरिया है वहाँ हमें नहीं जाने देना। और हमेशा कह लो अगर कोई वहां से काम करके भी आया है तो उसके क्लोथ, उसके हाथ पैर सब अच्छी तरह से साफ करवाने हैं, जितने भी केसिंग इक्विपमेंट हैं वो सबसे ज्यादा हमें क्या करने हैं, सैनिटाइज करने हैं। क्लियर, मैं केसिंग पे हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर खाद पूरी प्रॉपर बन के पैश्चराइज होके आई है, माइसीलियम उसमें ग्रो कर रहा है बहुत बढ़िया, तो नेक्स्ट जो स्टेज है वो स्टेज आपकी कहाँ से है, वो स्टेज सिर्फ आपकी जो आ रही है वो वर्टिसिलियम जो आ रहा है वो सिर्फ केसिंग से आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा। इसलिए केसिंग प्रिपेयर करते वक्त इसका ध्यान रखें। सबसे पहला पॉइंट, जो वर्कर केसिंग में काम कर रहे हैं वो ग्रोइंग रूम में ना जाएं इन्फेक्टेड एरिया में। दूसरा, जितना भी मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उसको प्रॉपरली सैनिटाइज करें। तीसरा, ओपन एरिया में केसिंग ना बनाए, डस्ट फ्री एरिया रहे, और जो केसिंग का मटेरियल है उसको भी एक प्रॉपर एरिया में स्टोर करें। और जितने भी नेक्स्ट है कहता है जितने भी इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी रूम के अंदर फिजिकल और केमिकल में यानी कि उनका एक ऐसा बैरियर लगाए, जैसे मोस्टली हम जाली लगा देते हैं ताकि इंसेक्ट अंदर एंटर ना करे, और हम कुछ केमिकल भी यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड्स ताकि ना, इलेक्ट्रिक ट्रैप यूज करते हैं, ऐसे ही जो कंट्रोलिंग फ्लाइज को कंट्रोल कर, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ताकि डिजीज ना स्प्रेड हो हम फ्लाई ट्रैप लगाते हैं। ऐसे ही जो स्पोर हैं, क्लियर, जितनी भी आपकी एयर वेंट्स हैं
क्लियर। मोस्टली मशरूम इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े फार्म भी हैं उन्होंने भी हापा फिल्टर नहीं लगाए। मेरी बहुत सारे फार्म्स पे विजिट रही है, ज्यादातर हापा फिल्टर नहीं होते। बहुत कम फार्म्स हैं जहाँ पे हापा फिल्टर मिलते हैं। हापा फिल्टर एक फिल्टर है जो स्पोर्ट्स को फिल्टर करके एयर आगे पास करवाता है। ये आपका AHU से पहले लगता है। तो हापा फिल्टर आप इंस्टॉल करें, छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपका बहुत बड़ा लॉस बचा सकती है। नेक्स्ट है कहता मिनिमम जो स्प्रेड है वर्टिस एंड फंगस का, वो ओल्ड ब्रेक मतलब जहां से जो लास्ट कमरे में जहां पे फ्लश था वहां से फर्स्ट फ्लश में आ जाता है। मोस्टली अक्सर क्या देखा गया है कि लोग इसे ऑर्गेनाइज नहीं कर लेते। मान लो मेरे दो रूम्स में प्रोडक्शन आ रही है, तो कई बार क्या होता है जिसमें बबल है वो बबल निकालने के वहां पे पहले कटिंग कर देते हैं और दूसरे रूम में बाद में कटिंग कर देते हैं। तो इससे क्या होता है जो स्पोर है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक तो रूम खराब या दूसरा भी खराब हो जाता है। पहला पॉइंट की दूसरा पॉइंट कई बार क्या करते हैं हम कुछ लेबर को आते ही कहते हैं बबल निकालो बबल निकालो, वो बबल निकालने शुरू हो जाती है। बट हमें हम लगते हैं कि हमने उन्हें ग्लव्स पहनाए हैं या कुछ मास्क बनाया है, हमने पूरा प्रॉपर उसका प्रिवेंशन लिया हुआ है, बट ऐसा नहीं है। जब भी वो लेडीज या कह लो जेंट्स बबल पिक करके फेंकने जाते हैं तो उनकी बॉडी के साथ कई जगह वो जो स्पोर्स हैं स्टिकी होते हैं वो अटैच हो जाते हैं, और जब वो फ्रेश रूम में मशरूम पिक करने जाते हैं तो आपकी जो डिजीज है वो वहां ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो कभी भी हमें ऐसा नहीं करना। जो लोग मशरूम पिकिंग में लगे हुए हैं सबसे पहले जो फ्रेश कमरे हैं वहां से हम मशरूम पिक करेंगे, उसके बाद हम कंटेमिनेटेड एरिया में जाएंगे। और जो लोग कंटेमिनेटेड एरिया में जा रहे हैं उसके बाद वो अपना सारा ड्रेस वगैरह चेंज करके फ्रेश रूम में अगले दिन आए उस वक्त ना आए। तो हार्वेस्टर टाइम पे जो ट्रांसपोर्ट होती है उसको अवॉइड करें। कहता डिजीज अगर बहुत सीवियर है, अगर आपको लगता है अभी आपका फर्स्ट फ्लश ही बहुत ज्यादा भर गया, कई बार हम थोड़ा सा लालच कर जाते हैं, हम सेकंड फ्लश लेते हैं थर्ड फ्लश लेने की कोशिश करते हैं, बट इसमें आपकी प्रोडक्शन तो कम होती है, आपके पूरे के पूरे फॉर्म में उसी कंटेमिनेशन होने जाती है। क्योंकि आप सब कुछ कंट्रोल कर लोगे बट आप ह्यूमन एरर कभी नहीं कंट्रोल कर पाओगे, आप लेबर को कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। लेबर जाने अनजाने चाहे ना चाहे उस रूम में से होके आ जाएगी और अब वहां से पूरे रूम्स में ट्रांसपोर्ट कर देगी। रीजन ये है कि जो वर्टिसिलियम जो भी चाहे वो इस फंगस के स्पोर हैं या किसी भी फंगस के स्पोर हैं वो हमें नजर नहीं आते, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एयर में हवा में, वो आपकी उनके बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं और सारे फार्म में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। क्लियर। तो हमें हमेशा अगर आपका फर्स्ट ब्रेक आ गया साइमल्टेनियसली आपको पता लग गया भी अब ये आगे नुकसान करेगा तो उसको कुक आउट कर दो, रूम का टेम्परेचर 70 60 70 तक ले जाओ, उसको कुक कर दो, उसके बाद उसे थ्रो कर दो। नाउ केमिकल ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए केमिकल ट्रीटमेंट जो है फंगल डिजीज अगर एक बार आ गई फार्म में, अगर आप कहो भी मैं इसे खत्म कर दूं तो पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। ये टाइम लेती है, जैसे आती बहुत फास्ट है, हमें लगता है अभी अचानक आ गई बट फास्ट नहीं आई, ये जैसे स्लोली 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 आपके फार्म पे घुसती है वैसे ही स्लोली 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 आपके फार्म से ये जाएगी। तो केमिकल ट्रीटमेंट उसका जो कह लो इफेक्ट है उसको रिड्यूस कर सकता है, उसे खत्म नहीं कर सकता। तो केमिकल ट्रीटमेंट में हम 2-3 स्प्रे करते हैं जाइनैप के, डाइथेन डाइथेन है ये 78.15% हम यूज करेंगे, बहुत अच्छा इससे कंट्रोल मिल जाता है। बाकी जो सबसे कॉमन यूज होने वाला है कार्बेंडेजियम या थायोफिनेट मिथाइल, ये भी 0.1% हम यूज करेंगे और इसे जो डिजीज है वो इमीडिएटली कंट्रोल में आ जाएगी। फिर उसके बाद कहता जो क्रॉप है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया जो क्रॉप है उसे जैसे ही हमें पता लगेगा उसको हम टर्मिनेट करेंगे, 12 घंटे के लिए टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस तक रेज कर देंगे, कुक आउट करके निकाल देंगे। और सबसे नेक्स्ट जो सबसे इजी प्रैक्टिस है स्पेंट कंपोस्ट। मोस्टली फार्मर कभी भी ध्यान नहीं देते भी उनकी स्पेंट कंपोस्ट कहाँ पड़ी है। मान लीजिए आपका फार्म, ये आपका फार्म है और यहाँ पे आपने कंपोस्ट डाली हुई है, स्पेंट कंपोस्ट डाली हुई है, पर अगर हवा की डायरेक्शन ही इसी साइड पे है
ठीक है, हमारे देश में दो, एक पुरवाई और एक पच्छो चलती है। अगर आप इन दोनों पूर्व साइड पे और पश्चिम साइड पे अगर आप सीमेंट कंपोज डालोगे तो उसकी एयर आपके फार्म में आएगी आएगी किसी ना किसी सीजन में, क्योंकि एक सीजन में पुरवाई चलती है, एक सीजन में पच्छो चलती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, आपने पूर्व और पश्चिम में कभी भी अपनी सीमेंट कंपोज नहीं डालनी, आप उत्तर और दक्षिण में सीमेंट कंपोज डालिए ताकि हवा का प्रवाह उसे इफेक्ट ना कर सके। उसके बाद नेक्स्ट आ गया वॉल। जितना भी आपका वॉल, फ्लू, ट्रे, सरफेस है, इन सबको अच्छी तरह से सैनिटाइज करना है, प्रॉपरली वॉश करनी है और स्टरलाइज करनी है। फिर उसके बाद आ गया आपका ब्लू क्लोराइड एंड मैंगनीज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, स्पोटेक्स यूज करना है 0.05% 9 डे आफ्टर केसिंग। केसिंग के 9वें दिन पे आप इसे यूज करोगे तो आप जितनी भी आपकी कह लो केमिकल सॉरी जितना भी आपका वर्टिसिलियम का इफेक्ट है ना के बराबर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन, आप अगर लगातार फॉर्मलिन स्प्रे करते हो, मैंने कल भी एक वीडियो बनाई है जिसमें ये लिखा है, आपने 2 लीटर पर 100 लीटर ऑफ, मतलब 2%, ये 100 मीटर क्यूब के लिए, 100 मीटर क्यूब के लिए है। आप अगर 100 लीटर में 2 लीटर डाल के 2% फॉर्मलिन डाल के जैसे ही आप केसिंग करते हो उसके बाद इसका स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद हर अल्टरनेट या हर तीसरे दिन पे आप इसको 0.5% स्प्रे करते जाइए। मैं गारंटी लेता हूँ धीरे 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 आप वर्टिसिलियम या ड्राई बबल देखना ही भूल जाएंगे। कंटेंट अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।